आप सभी का हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स में स्वागत है। जॉब से एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं BARC रिक्रूटमेंट के बारे में, जो सभी कैंडिडेट्स BARC कंपनी में अपर डिविजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कम्प्लीट करते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स इस कंपनी की लेटेस्ट वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं इसके लास्ट डेट से पहले। इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 फरवरी 2019 है। सभी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इसमें किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इससे रिलेटेड पूरी जानकारी को जानने के लिए सभी कैंडिडेट्स हमारे इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। इसकी पूरी जानकारी जानने के लिए चलते हैं हमारी वेबसाइट gayatrijobs.com पे। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने BARC रिक्रूटमेंट 2019 की नोटिफिकेशन रिलीज करी है इसकी वैकेंट सीट्स के लिए। इस रिक्रूटमेंट में टोटल 60 वैकेंट सीट्स हैं अपर डिवीजन क्लर्क, UDC और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए, जो सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं और इसके लिए एलिजिबल हैं, वो सभी कैंडिडेट्स हमारी इस वेबसाइट के जरिए 31 जनवरी 2019 से 25 फरवरी 2019 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट में कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पे करवाया जाएगा और इस रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस मुंबई में करवाया जाएगा। BARC में जॉब डिटेल्स हैं, अपर डिवीजन क्लर्क में 47 सीट्स और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 में टोटल 13 सीट्स। हमने अपनी वेबसाइट में आपका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवाई है, जो सभी कैंडिडेट्स एक इम्प्रेसिव रिज्यूम लिखना चाहते हैं अपने फर्स्ट इंटरव्यू के लिए, वो सभी कैंडिडेट्स इस डायरेक्ट लिंक के जरिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूम लिखने की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स को चेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं BARC वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए पोस्ट वाइज कैंडिडेट्स का रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इस इक्वलेंट विद एग्रीगेट 50% मार्क्स के साथ कैंडिडेट्स के पास लेटर्स ग्रेड CGPA OGPA होना चाहिए। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 10th क्लास पास की मार्कशीट और इट्स इक्वलेंट और कैंडिडेट्स की स्टेनोग्राफी इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। BARC जॉब्स में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स तक होनी चाहिए। इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन है, ST कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट्स के लिए 13 ईयर्स, UR कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स और SC कैंडिडेट्स के लिए 15 ईयर्स का। इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज एप्लीकेशन फ़ीस है, अपर डिवीजन क्लर्क के एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट में अप्लाई करने के लिए भी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है। SC ST वुमेन कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन और फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स के लिए इसकी एप्लीकेशन फ़ीस नील है। जो सभी कैंडिडेट्स BARC जॉब्स में फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे उन सभी कैंडिडेट्स का पर मंथ का सैलरी स्केल एज पर लेवल 4 पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ₹25,500 तक रहेगा। BARC जॉब्स रिक्रूटमेंट में अप्लाई करने के लिए और इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए सभी कैंडिडेट्स इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.barc.gov.in। इनकी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने के बाद वहाँ पर दिए हुए करियर्स अपॉर्चुनिटीज, रिक्रूटमेंट और न्यू वैकेंसीज लिंक में जाकर 01/2019 R3 ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द वेरियस ग्रुप सी पोस्ट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स अगेंस्ट द वैकेंसीज इन BARC एंड कॉन्स्टिट्यूट लिंक पर क्लिक करके सभी कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट की पूरी जानकारी को केयरफुली रीड करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और हमने अपनी वेबसाइट के लास्ट में भी आपको कुछ डायरेक्ट लिंक्स प्रोवाइड करवाई हैं, सभी कैंडिडेट्स इन डायरेक्ट लिंक के जरिए भी इसकी पूरी जानकारी को चेक करके इसके एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।